सहारा के पटना ऑफिस पर, और यहाँ पर भी लोग का वही हाल है, वो यहाँ से लौट रहे हैं, पैसे मिलने में डिले होने का सिलसिला शुरू हो गया है। सहारा इंडिया की स्थिति बहुत गड़बड़ है, पुराने निवेशकों को लौटाने को एक भी रुपया नहीं है। अखबारों में 25 अगस्त को विज्ञापन प्रकाशित कर सहारा इंडिया ने कहा है कि कैश क्रंच की स्थिति है, बिहार के लाखों निवेशकों का पैसा लौट नहीं सकता है, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। ऐसे में सोशल एडवाइजरी तो यही है, सहारा इंडिया में अब भी रुपए जमा करा रहे निवेशकों को अभी से जमा बंद कर देना चाहिए, नहीं किए तो भविष्य में और फंसेंगे और डूबेंगे। सहारा इंडिया का कोई भी स्कीम हो, सभी को डेंजर जोन में मानिए। जब हमने लोगों से बात करने की कोशिश की तो सहारा के अधिकारी सामने आए, उन्होंने हमें रोका और बोला कि एक निगेटिव इमेज जाएगा पब्लिक में, कंपनी कोशिश कर रही है, मगर आप यहाँ पर रिपोर्ट ना करें, आप लोगों से बात ना करें। बावजूद उसके दो ग्राहकों से हमारी बात हुई जिन्होंने यह साफ साफ कहा कि 2016 से पैसा अटका हुआ है जो अभी तक नहीं मिला, और भी जो फंड्स मैच्योर हुए हैं उसकी पेमेंट नहीं मिल रही है, आगे की तारीख दी जा रही है, और ये जो अवधि है मैच्योरिटी की उसे बढ़ाने का आग्रह किया जा रहा है। सुनिए कि लोगों का क्या कुछ कहना है। बच्चा का फीस जमा है 14-15 में पूर गया, अभी तक 18 साल हो गया, 18 माह जा रहा है, मेरा पेमेंट नहीं हुआ, 15-16 हज़ार का पेमेंट है। अच्छा, और क्या कर, मेरा फीस बनना है स्कूल का। कब इस पेमेंट को होना था? ये होना था कि पेमेंट डेट होना था 4/4/16 को, 2016 का पेमेंट है। हाँ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अब आगे क्या कह रहे हैं? अब आगे हैं कि जब बोले हैं उस हिसाब से जाते हैं, अगर पेमेंट हो गया तो ठीक है, नहीं तो। पेमेंट का को लेके इशू है। कितना दिन से नहीं मिला है? 5 साल का था वो, फिक्स हो गया, खत्म हो, मैच्योरिटी हो गया उसके। कब मैच्योरिटी हुआ उसका? पिछले मंथ। हाँ। और पैसा देने लेने आया आप तो लोग क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि फिर से 3 साल के लिए या 4 साल के लिए आप छोड़ दीजिए और अगले स्कीम में आप ले लीजिएगा। अभी देने के लिए नहीं, अभी देने के लिए वो नहीं बोले। मतलब आप तो बोले होंगे कि मेरा मैच्योरिटी कंप्लीट हो गया तो मुझे मिलना चाहिए। तो इस पर क्या जवाब? इस पे उनका यही जवाब आ रहा है कि आप 3 साल के लिए और बढ़ाइए, इसको एक्सटेंड करिए, अभी हम नहीं दे पाएंगे आपको पैसा। आपको आपकी मर्जी हो या नहीं, आपको नहीं, हाँ एकदम फिक्स करना ही है, चेंज करना है दूसरे में तो करना ही है। जब हम और लोगों से बात कर रहे थे तो सहारा के अधिकारियों द्वारा हमें रोका गया, हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की, उसमें भी उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने जनता तक कुछ भी बात साफ साफ पहुंचाने से हमें भी रोका और खुद भी कुछ कहने से इनकार कर दिया। बहरहाल लोग परेशान हैं, एक एक करके लोग ऑफिस पर आ रहे हैं, अपने मैच्योरिटी वाले फ़ंड की डिमांड कर रहे हैं मगर उन्हें मिल नहीं पा रहा है। बहरहाल कंपनी कह रही है कि कुछ दिनों में उन्हें फंड्स मिलना फिर से चालू हो जाएगा और पैसा दे दिया जाएगा।